वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास सीबीएसई और 9th क्लास आईसीएसई। तो ये आप टॉपिक देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का आपका 100% क्लैरिटी मिल जाएगी पूरे चैप्टर की। मैं इसको बहुत पार्ट्स में नहीं तोड़ूंगा, मेरा मोटिव है कि जल्दी हो जाए काम, क्योंकि जल्दी काम खत्म हो जाए और जल्दी आउटपुट मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो पूरा चैप्टर अगर आप इसको देख लोगे, वीडियो ज़्यादा लंबी मैं करूँगा ही नहीं, और आपको सिर्फ ये समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, कैसे उसकी एप्लीकेशन है, कितनी आइडेंटिटीज़ हैं, क्या क्या है, कब क्या लगा सकते हो, बस। तो शुरू करते हैं इसको। देखो, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा तभी अप्लाई होगी जब भी कोई आपके पास राइट एंगल होगा या राइट ट्राइंगल होगा। आपके पास राइट ट्राइंगल नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री उसमें अभी अप्लाई नहीं करोगे, खासतौर पर अभी तो बिल्कुल नहीं करोगे। तो 90 डिग्री का एंगल होना समझ लो ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 90 डिग्री के बिना ये अप्लाई नहीं होगा। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, हाइपोटेनस, मैं हाइपोथैलेमस बोलने वाला था, खैर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, या फिर इसको आप हाइट बोल सकते हो। पर क्या होता है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप इसको हाइट मत लिखो, क्योंकि हाइट लिखोगे और हाइपो इसको बोलोगे, हाइपोटेनस बोलोगे, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए ये आप पी लिखना बेटर रहता है, वो लिखो। ये है बेस। अब मैंने कैसे किसी को बेस बोल दिया और कैसे किसी को परपेंडिकुलर बोल दिया, ये भी लोगों को सुन लेना चाहिए। क्या है कि हम कॉपी पे जैसे बनाते हैं तो हमें आदत पड़ी हुई है कि ये जो चीज़ है ये परपेंडिकुलर हम इसको बोल देते हैं, ये हम इसको बेस बोल देते हैं। ऐसा है नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई कॉपी की ओरिएंटेशन के ऊपर आप नाम दे दोगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, ऐसा भी हो सकता है उल्टा। तो राइट एंगल आपके पास जैसा भी हो, आपने कॉपी की ओरिएंटेशन कोई रटनी नहीं है। 90 का एंगल देखना है और 90 के एंगल के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा। 90 एंगल के सामने वाला तो हाइपोटेनस ही होगा, 90 एंगल के सामने वाला तो हाइपोटेनस ही होगा, वो तो पक्का है अपना। लेकिन बेस कहाँ लेना है, तो बेस पक्का नहीं मारना है। बेस के लिए क्या करना है, जो भी एंगल पूछा हो, जैसे मान लेते हैं ये एंगल पूछा है तो ये बेस माना जाएगा, ये एंगल पूछ लिया उन्होंने तो भैया इसको बेस मान लेना, ये वाला पूछ लिया तो इसको बेस मान लेना। कहने का मतलब ये है कि जो भी एंगल पूछा होता है उसके साथ वाला बेस होता है, जो एंगल पूछा होता है उसके साथ वाला बेस होता है, और जो बचा वो परपेंडिकुलर। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप कॉपी के नीचे हमेशा बेस डाल दोगे। जो एंगल पूछा है, जो थीटा है, यानी कोई भी एंगल का नाम हो सकता है, अल्फा बीटा जो भी नाम है, तो उसके साथ वाले एंगल को आप बेस लोगे। पहली बात तो ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले ये पता हो आपको। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फंक्शन है। इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ड आते हैं, लोग सोचते हैं कि साइन है, कॉस है, ये टैन है, ये क्या है, और साइन को लोग सिन बोलते हैं, मैंने सुना है। तो साइन है, कॉस है, टैन है, एक्चुअली इनके पूरे नाम भी हैं। लेकिन आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, और आज के बाद से इस बॉक्स को आप समझ भी लोगे, रट भी लोगे। साइन का बिल्कुल उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल, उल्टा का क्या मतलब है, यानी कि अगर मैं टू बोलूँ तो टू का उल्टा क्या हो सकता है, टू का उल्टा हो सकता है 1/2, यानी उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया, क्योंकि इससे पहले था ये 2/1, अब हो गया ये 1/2, तो ये है रेसिप्रोकल। तो उल्टा कह लो या कह लो रेसिप्रोकल कौन है साइन का, साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसेकेंट, कोसेक लिख सकते हैं, पूरा नाम है इसका कोसेकेंट। कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट, और टैन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि इसको मैं अगर लिख के दिखाऊंगा कहीं पर तो कुछ ऐसा बनेगा कि सबसे पहले तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट। इसी तरह से अगर आप कोसेकेंट लिखोगे तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/sin। कॉस लिखोगे तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, आप देख लो कॉस का रेसिप्रोकल कौन था, सीकेंट, तो 1/sec। और सीकेंट का रेसिप्रोकल कौन होगा, 1/cos। टैन का रेसिप्रोकल कौन होगा, देख लो कॉट, 1/cot। और कॉट का रेसिप्रोकल कौन होगा, 1/tan, यानी कि टैन का रेसिप्रोकल होगा उसका। तो ये सारी थी पहली चीज इस चैप्टर की, जो कि है रेसिप्रोकल्स कौन कौन से आपने देख लिए, ये थे सारे के सारे रेसिप्रोकल्स। उसके बाद ये तो थे सिर्फ के सिर्फ रेसिप्रोकल्स। इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक है साइन कॉस टैन सी एस सी, ये सब ये कैसे याद रखेंगे और इनकी आइडेंटिटीज भी आपको एक साथ ही बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ और,
अगर आप करते हैं पी बी एच, क्योंकि पी का मतलब है परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर ये, बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेनस, यानी कि सबसे लंबी साइड। हाइपोटेनस तो सबसे लंबी साइड हो सकती है। तो पी बी एच, और इसकी जो ट्रिक है वो है पंडित बद्री प्रसाद। अभी मैं इसकी ट्रिक लिखने वाला था, यहाँ पर लिखता हूँ। वैसे आपको तीन चीज़ें इन्वॉल्व करनी है पी बी एच, तो कैसे इसकी ट्रिक बनेगी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो ये है सारे के सारे ट्रिक, इसी से सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पी बाय एच जो है आपका रेशियो वो होता है साइन, बी बाय एच जो होता है आपका रेशियो वो होता है कॉस, और बी बाय पी जो आपका रेशियो होता है वो होता है टैन। तो ये थे आपके सिंपल रेशियो। अगर आपको कोई दे दे पी बाय एच तो इसका मतलब वो साइन की बात कर रहा है, अगर आपको कोई दे दे बी बाय एच तो वो कॉस की बात कर रहा है, और आप अगर वो बोल दे पी बाय बी तो वो टैन की बात कर रहा है। इसका मतलब है ये चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ पी बाय एच, तो इसका मतलब हुआ कि मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एच बाय पी की, देखो मैंने इसका उल्टा कर दिया, तो साइन का उल्टा कौन होता है? वो होता है कॉसेकेंट, तो ये हो जाएगा कॉसेकेंट। इसी तरह से अगर कोई बात करे बी बाय एच की, तो वो बात कर रहा है असल में कॉस की, और अगर कोई बात कर दे एच बाय बी की, तो वो कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा कौन होता है? वन बाय सॉरी सीकेंट, मतलब सीधा सीधा सीकेंट लिख सकते हैं क्योंकि मैं पहले उल्टा लिख चुका हूँ। सिमिलरली अगर बात कर रहा है कोई पी बाय बी की, तो वो बात कर रहा है टैन की, और अगर कोई बात कर रहा है बी बाय पी की यानी इसका उल्टा, तो वो है कॉटेंजेंट। तो ये है आपका दूसरा पार्ट, यानी कि जो रेशियोज का जो उल्टा है वो अप्लाई इस तरह से होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसकी तीन साइड है, ये है तीन, ये है चार, और ये है पता नहीं कितनी एक्स। ऐसे क्वेश्चन आ गया कि फाइंड एक्स करो, तो एक तो आपको पता है कि एक्स कैसा निकल सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर करके आ जाएगा, लेकिन इसका और भी शॉर्टकट हो सकता है। खैर अभी के लिए मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे वो बनाना है, वो सेकंड वीडियो में इसी पार्ट में एंड में हो जाएगा, लेकिन अभी आपको पहले ये निकालना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 + 3 का स्क्वायर है 9, तो टोटल हो गया 25 का रूट करना चाहिए, ठीक है? आपको आता होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो 5 आ गया आपका आंसर, इन एक्स है आपका 5, ठीक है? तो क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर + पी का स्क्वायर = एच का स्क्वायर, ये था बेस या ये परपेंडिकुलर था, और ये था बेस और ये था हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो हमें चाहिए ना, हमें तो चाहिए था स्क्वायर हटा के आंसर देना था, इसलिए कर दिया रूट। खैर ये आ गया आपका आंसर 5। तो आपको आंसर मिल गया कि पी है हमारा फिलहाल 4, पी है हमारा, अभी अगर मैं थीटा यहाँ ले लूँ तो बेस ऐसे माना जाएगा, और सामने वाला जो है ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस माना जाएगा, और इस एंगल के सामने वाला जो है वो पी माना जाएगा। तो पी मेरा है 4, बेस मेरा है 3, और हाइपोटेनस तो बताइए आपको 5। अब आपको सारे रेशियोज अगर लिखने हो, जैसे आपसे भी पूछ ले कि इसका साइन साइन बताओ, साइन थीटा बताओ, तो साइन होता है एक्चुअली क्या? पी बाय एच। तो पी बाय एच मतलब पी कितना है? पी है 4, और एच कितना है? वो है 5। तो आंसर आ गया आपका 4/5। ऐसे ही कोई कह दे कि इसका कोसिकेंट बताओ, तो कोसिकेंट होता है एच बाय पी, एच बाय पी, तो एच की वैल्यू है 5 और पी की वैल्यू है 4। इसी तरह से कोई कह दे कि इसका कॉट निकालो, तो कॉट आपको पता है कि होता है बी बाय पी, और बी कितना है आपको पता है 3, और पी कितना है 4, तो 3/4 आंसर। इस तरह से आपको जो है सिंपल रेशियोज निकालनी है, ये चीज़ करनी है 9th आईसीएसई में, और 10th में पहली एक्सरसाइज में यही करना है। 10th की जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी पहली एक्सरसाइज में इतना ही है। थोड़ा हायर लेवल करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल रेशियोज। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आने शुरू होंगे सिंपल रेशियोज के बाद, वो होंगे असल में ये जो आपको टेबल बनवाया था साइन, एक्चुअली पूरा बनाता हूँ, पी बी पी एच एच बी साइन कॉस और टेन,
तो इनका जो रेसिप्रोकल था वो भी यही लिख लेते हैं, पूरा टेबल हमारा जो है वो डेवलप होता जा रहा है। साइन का उल्टा है कोसेकेंट, कॉस का उल्टा है सीकेंट, टेन का उल्टा है कोटेंजेंट। तो ये तो हो गए रेसिप्रोकल्स। इसके बाद थे तीन आइडेंटिटीज, वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ 90 वाले रेशो की मैं बात कर लेता हूँ, या 90 वाले एंगल की मैं बात करता हूँ। तो आपको बता दूँ, साइन और कॉस 90 का रिलेशन शो करते हैं, टेन और कॉट 90 का रिलेशन शो करते हैं, और सीकेंट और कोसेकेंट भी 90 का रिलेशन शो करते हैं। तो रेसिप्रोकल तो ये सीधे सीधे थे, लेकिन 90 का रिलेशन ये ऐसे शो करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई बोल दे कि साइन 60, तो साइन 60 का मतलब हो जाएगा, साइन का रिलेशन मैंने तो आपको बताया था कॉस के साथ, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस 90 माइनस 60। बस जो भी हो आपको 90 के साथ वो माइनस करना है, तो आ जाएगा आपका आंसर कॉस 30, क्योंकि 90 माइनस 60 होता है 30 डिग्री। तो साइन 60 बराबर आ जाता है कॉस 30। तो ऐसे ये तो एक एग्जाम्पल था। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वैल्यू हो थीटा की, यानी एंगल की, तो साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा होगा, कॉस थीटा जो है वो साइन 90 माइनस थीटा होगा, फिर से वही उसी का उल्टा ही है, तो 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, उसके बाद टेन हो टेन थीटा तो वो कॉट 90 माइनस थीटा होगा, और कॉट हो तो वो टेन 90 माइनस थीटा होगा, और अगर कॉसिकेंट हो, ये हो गया दोनों, अगर कॉसिकेंट हो तो वो सीकेंट 90 माइनस थीटा होगा, और अगर सीकेंट हो तो वो कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा होगा। तो हमने तीन तरह के रेशियोज कर लिए, एक बहुत सिंपल रेशियोज, एक ज़रा वैल्यू डाल करके, और तीसरे 90 वाले। तो 90 वालों का भी पेयर बनता है, आप देख रहे हो, और यहाँ पे भी पेयर बन रहा था, और यहाँ पे भी पेयर बन रहा था। तो ये हो गए तीन तरह के रेशियो, ये था इनका एग्जाम्पल और ये था इनका एग्जाम्पल। इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि आपको कोई बोल दे कि सीकेंट 57 है डिग्री, तो वो कितने कोसेकेंट के बराबर होगा? तो आपको पता है कि कोसेकेंट जो है वो भी 90 माइनस 57 होगा। तो 90 में से अगर आप 57 माइनस करते हो तो आता है आपके पास 33। तो कॉसिकेंट 33 इज द योर आंसर। इस तरह से आपको करना है, ये था बहुत ही सिंपल। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इसका सेकंड पार्ट मैं डाल रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट अभी आएगा, उसमें हम करेंगे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बड़े वाला टेबल, यानी जिसमें प्रॉपर वैल्यूज है साइन 30 की, साइन 60 का, उसको बनाने की ट्रिक भी है, वो भी करेंगे। तो अभी हो गया हमारा, ये मैंने सेकंड पार्ट बनाना शुरू कर दिया है, और वो आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।